Assalamualaikum, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चपली कबाब की रेसिपी, जो बहुत अमेजिंग, फास्ट और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट वी इंट्रोड्यूसिंग इंग्रेडिएंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए इंस्टेंट और बहुत इजी रेसिपी लाई हूँ चपली कबाब की। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ इसके। ये हमारे पास 500 ग्राम कीमा मटन का, ये कीमा, इसको मैंने अच्छे तरीके से, देखें कितना इसको मैंने चॉप किया है, ये नज़र आ रहा होगा बिल्कुल, इसकी बाइंडिंग इस तरह अच्छे तरीके से हो जाएगी, बिल्कुल ये रेशेदार आपको नज़र आ रहा है, ऐसे ही आपने इसको चॉप करना है। और बाकी इंग्रेडिएंट्स आप लोगों के सामने है। ये प्याज है तकरीबन मीडियम साइज़ का, इसको मैंने बारीक से चॉप कर लिया। और ये हाफ टमाटो है, ये कोरिएंडर है, हरा धनिया, हरी मिर्च है ये बारीक कटी हुई। और ये हमारे पास जो स्पाइसेस हैं वो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें दाल मिर्च है हमारे पास, कुटा भुना हुआ जीरा है मोटा मोटा, इनको मैंने देखे जीरा भी मोटा कुटा हुआ है और सूखा धनिया भी मोटा कुटा हुआ है, पिसे हुए नहीं। दाल मिर्च है, नमक है और पिसा हुआ धनिया, सूखा धनिया भी हमारे पास है, चाट मसाला है। और ये हमारे पास बेसन है, ये अनारदाना है। अगर आपके पास मकई का आटा है तो आप वही यूज़ करें, मकई के आटे से ये बहुत सॉफ्ट बनती है और बहुत फूले फूले कबाब बनते हैं, लेकिन आजकल अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो इसलिए मैं भुना हुआ बेसन इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून हमारे अनारदाना है और 1 अंडा है हमारे पास। अब हम इसके अंदर सारे अपने इन्ग्रीडियंट्स आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते हैं। सबसे पहले स्पाइसेस जाएंगे इसके अंदर, सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए हैं सारे इसमें ऐड कर दूँगी मैं। ये अंडा चला जाएगा इसके अंदर, हमारे तमाम मोटे जो इंग्रेडिएंट्स हैं सब्जियां वगैरह वो इसमें ऐड हो जाएंगी। इसमें 2 टेबलस्पून बेसन और अनारदाना ऐड हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसकी कबाब बना के आप लोगों को दिखाते हैं। बस यहाँ पे अब आप लोग देखें कितना अच्छा मिक्स हो गया। अब हम इसको आपको कबाब बना कर दिखाते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और कोई इंग्रेडिएंट मिस ना कीजिएगा। तो अब रेसिपी बहुत अमेजिंग स्टेप की तरफ जा रही है, अब हम लोग इसको आपको बनाना सिखाते हैं। कबाब को शेप देनी है बिल्कुल ये सिंपल, जो हमारे घरों में आम कबाब बनते हैं इसी तरीके से हम इसको शेप देकर, और ये टमाटर के मैंने स्लाइसिस काट के भी रखे थे उसके ऊपर लगाएंगे और हम इसको फ्राई कर लेंगे। मैं पैन बिल्कुल थोड़ा सा मैंने घी लिया, आप लोग चाहें तो उसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इस पैन के अंदर सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया है जो गर्म हो चुका है हमारा। आप लोग चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि चपली कबाब है मैं इसको स्टीर फ्राई करूंगी। तो ये देखें हम लोग इसको लाइट मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे, और फिर अब मैं इसके बाद आप लोगों को इसकी लास्ट लुक। तो ये है हमारे कबाब की फाइनल लुक। अब हम इसको आपको ओपन करके दिखाते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से अंदर भी हमारा कीमा पक चुका है। ये देखिए कितने सॉफ्ट और टेंडर है अंदर से, बिल्कुल इस तरीके से हमारा कीमा पक भी चुका है। और ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत सॉफ्ट है और सब कुछ ये बड़े तरीके से पक चुका है हमारा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह मिलती रहे। तो अल्लाह हाफिज़, अपने वीडियो में।